नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है अपनी 5 अक्टूबर 2023 और दिन रहेगा थर्सडे का, एक्सपायरी का। अब तो हर दिन एक्सपायरी है, बट निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो कल है। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग निफ्टी से ही करते हैं और उम्मीद है दोस्तों आपको एनालिसिस से हेल्प मिल रही होगी, गाइडेंस मिल रही होगी। ठीक है, इतना ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हेल्प मिले लॉ, तो इमिडिएटली आप देखना छोड़ दें, क्योंकि आपका और मेरा तालमेल नहीं बैठ रहा है। ट्यूनिंग जरूर बैठनी चाहिए जिसकी आप वीडियो देखते हैं उसके साथ, है ना। तो वो ट्यूनिंग अगर नहीं बैठ रही है तो देखने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब मैं कुछ और तरीके से सोच रहा हूँ, आप कुछ और तरीके से करना चाह रहे हैं। तो फॉलो हमेशा उसको करना चाहिए जिनके साथ आपकी ट्विनिंग बैठे। चलिए शुरू करते हैं, निफ्टी को ही पकड़ते हैं पहले। बहुत एक अच्छी खासी हमें मंदी देखने को मिली नीचे की तरफ, 19,333 शायद ये हमें एक लो देखने को मिला है। कैंडल देखते हैं आज के लो क्या है। 19,334.55, 19,334.55। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सॉरी, अब जो मेरा व्यू है, हाँ डिस्क्लेमर दे दूँ पहले, ये मेरे पर्सनल व्यू है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं देता हूँ, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई भी रजिस्ट्रेशन मेरे पास नहीं है किसी भी फर्म का, कैसा भी। ऐसे ही छोटी मोटी नॉलेज है, वीडियो बनाता हूँ, आप देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी किसी को नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेवारी आपकी खुद की है, मैं मेरा चैनल कहीं से इस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेता। तो ये चीज़ का तो दोस्तों आपको फ़ायदा मिला होगा कि ब्लू लाइन मतलब 19,560, इसके नीचे रहता है तो बी ऑन सेल साइड। यहाँ से आज हमने लो देखा है 19,334। जो पोजीशन थी, जो शॉर्ट में बैठे हुए थे, उनको मैंने एक ही आफ्टरनून में वीडियो बना के बोला था कि आप यहाँ पे 60 से 70% बुक करके एग्जिट हो जाइए, और जो पोजीशन बची है वो 19,250 के आसपास से हम लोग टोटल एग्जिट कर देना है, और ट्रेलिंग एसएल खिसका के आ जाना चाहिए आपका 19,450। ये हमारा फिलहाल लास्ट अपडेट है। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ जा रही है, कल के लिए एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए, अब अगर निफ्टी 19,435, ये लेवल कल के लिए नोट कर लीजिए, कॉपी बुक लेके ये लेवल नोट कर लीजिए। इसके ऊपर निफ्टी रहता है, इसके ऊपर निफ्टी रहता है, बाय करना है फॉर द टारगेट 19,480, 19,525, 19,550। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये इंट्राडे के लिए ही होगा, ये इंट्राडे के लिए ही होगा, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर 19,435 के ऊपर रहता है तो, ठीक है, इसके ऊपर रहता है तो, सेकंड थिंग ओनली यही कंडीशन है बाय की, दैट टू फॉर इंट्राडे। कैरी करना है नहीं करना है वो फिर मैं लाइव मार्केट में ही देख के बताऊंगा आपको, उससे ज्यादा फिलहाल मैं चार्ट पे अभी आपको इससे ज्यादा नहीं बता सकता। ये जा सकता है यहां तक 19,525, 19,500। देखिए जी, ये जो जोन था है ना, जोन नहीं एक्चुअली, अगर आप ये यहाँ पे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट ये देखिएगा, ये ओहो, ये तो इस चैनल के अंदर घुस गया है भाई, बंद होते होते। वाह, 19,490, 19,500,
मिनट, ये ऐसे करके आएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो लास्ट के 1 घंटे में ये इस चैनल के अंदर घुस गया। चलिए देखते हैं हम लेवल्स के ऊपर क्या चीज़ निकलती है। ठीक है, ये जाएगा थोड़ा सा 480 और 560 570 तक जा सकता है। कंडीशन इज निफ्टी शुड बी अबव 19,435। हाउएवर, बट अगर कल किसी कारणवश, क्योंकि नीचे इसको अब यहाँ तक एक बार आना चाहिए, है ना, ये इधर तक एक बार आना चाहिए, 19,250, 260, 270, इधर तक एक बार इसको दर्शन देने चाहिए। ठीक है, 19,000 मोटा मोटा 250 के आसपास एक बार इसको आना चाहिए। अब इसके लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल इस सेटअप के लिए? पहला एक हमारा ट्रेड सेटअप क्या बना, हम इंट्राडे में एक बाई करना चाहेंगे। अगर निफ्टी सपाट हमें खुलता हुआ दिखता है, इस लेवल के ऊपर रहता है, तो डेफिनेटली एक बार बाई करना चाहेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर निफ्टी 19,380 को ब्रेक कर देता है, जो कि एक आज लेवल था, ठीक है, तो 19,420 के आसपास का एसएल लगा के हम शॉर्ट करना चाहेंगे। पहला टारगेट होगा आज का ही लो, जो है 19,335 मोटा मोटा लगाइए, ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 19,300 और तीसरा टारगेट होगा 19,260 के आसपास। और मार्केट की क्लोजिंग कहीं इस 19,300 के नीचे ही आती है तो पुट को कैरी करके जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। हाँ, अगर क्लोजिंग मार्केट की कहीं ऊपर आ रही है, यहाँ कहीं आ रही है, बढ़िया ग्रीन कैंडल बन रही है, तो भाई एक बार को मुझे भी प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, एडवांस डिक्लाइन एक बार देखनी पड़ेगी, कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखना पड़ेगा, और इन चीज़ों को देखने के बाद भी मैं लाइव मार्केट में ही आपको बता पाऊंगा कि कैरी करना है कि नहीं करना, क्योंकि कैरी करके जाना कॉल साइड में यहाँ पे नीम हकीम खतरे जान वाली बात है। ठीक है, तो ये मैंने निफ्टी आपके सामने कवर किया है, किस प्रकार से कल हम इस ट्रेड को देख रहे हैं। पोजिशनल जो भी है भैया, 19,450 के ऊपर निफ्टी निकलता है एक बार को, सब कुछ एग्जिट 19,700 से आप लोग सेल करके बैठे हुए निकल जाइएगा एक बार कल के लिए। ठीक है, दोबारा मौका मिलेगा शॉर्ट करने का, अच्छा खासा मौका मिलना चाहिए। 19,560 से लेके 19,600 का जो अभी दायरा है, ये वाला, ये जो 40 पॉइंट कह लीजिए आप, या 19,625 तक, ठीक है, ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये पार होना मतलब कोई कहते हैं ना हलवा नहीं है, यहाँ पे ये जहाँ मैंने लाइन अभी टांगी है, इट इज 600 का लेवल है, इसको क्रॉस करके टिक पाना फिलहाल मार्केट के लिए कल और परसों के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। तो इसके आसपास से मौका मिलता है, अगर कोई प्राइस हमको मिलता है, कुछ मिलता है, तो एक बार शॉर्ट का अटेम्प्ट जरूर लेना है, जरूर से जरूर यहाँ पे शॉर्ट एक बार अटेम्प्ट करना है विद एसएल ऑफ 19,630। वही हमारा जो 2 दिन पहले का एनालिसिस था वही चल रहा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 19,450 एक ऐसा लेवल काम करेगा जो एक मार्केट में पंप दे सकता है। ठीक है, जो मार्केट में पंप दे सकता है, तो बी ऑन बाय साइड अबव 19,435 विद एस एल ऑफ 19,400 फॉर टारगेट 19,480, 19,525, 19,550 के आसपास प्रॉफिट बुक। और जरूरी नहीं है कि पहला टारगेट आपको मिला है तो दूसरा भी मिले, तीसरा भी मिले, गाड़ी कहीं से भी घूम सकती है, 480 से भी घूम सकती है, 525 से भी घूम सकती है, 560 से भी घूम सकती है,
तो अपना प्रॉफिट को बांधते चलें, अपने एसएल को ट्रेल करते चलें। और ये तेजी अगर नहीं ट्रेड होती है, जिस प्रकार से लास्ट में बाइंग आई है, ये ऐसी फेक है, तो जैसे ही आपको कल मार्केट 19380 के नीचे मिले, 25-30 पॉइंट का एसएल डालिए, 19410 415 के आसपास का आपको सेल करना है नीचे 260-270 के टारगेट के लिए। ये हो गया निफ्टी, इससे ज़्यादा कुछ कल के लिए है नहीं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी है दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी। अगर आपको ये जो रेड कलर का जोन है, अब रेड कलर का जोन है, ये जोन मैं आपको मार्क करके देता हूँ, नीचे की जो लाइन है वो है 44,200, ऊपर की जो लाइन है ये है 44,400, है ना। ये भैया बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये लेवल बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, यहाँ पे सेलिंग आएगी। तो अगर आपको 44,200 के आसपास मिलता है, अगर 200 से लेके 44,300 के आसपास मिलता है, तो आपको 44,400 30-40 का एसएल लगा लीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में 15-20 पॉइंट तो ऊपर नीचे ऐसे ही हो जाता है। सेल करना है, टारगेट इज 43,800, ये है टारगेट, ठीक है। सिनेरियो नंबर वन, अगर तेजी मिल जाती है, बाय करने का सोचना नहीं है बैंक निफ्टी में। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि मैं इंट्राडे में भी बाय करूं, जब तक मुझे कोई सेटअप नहीं दिखता। निफ्टी में जरूर मुझे सेटअप दिखा है, बैंक निफ्टी में तो मुझे फिर भी कोई सेटअप नहीं दिख रहा। ये है बैंक निफ्टी। और दूसरा कंडीशन जो मैंने आपको टेलीग्राम पे डिस्कस किया है, 44,000 के नीचे है, बी ऑन ठोको साइड, ठीक है। देखिए मार्केट ऐसे नहीं गिर रहा है जैसे यूजुअली मार्केट गिरता था, भाई आपको 800-900 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी गिर गया, 200-250 पॉइंट आपका निफ्टी गिर गया। निफ्टी तो एक बार भी 150 पॉइंट की गिरावट नहीं दिखाई है उसने पिछले एक दो दिन में, एक बार भी नहीं दिखाई है। 100 पॉइंट बड़ी मुश्किल से गिर रहा है, पर रिकवरी भी कोई खास मार्केट में आ नहीं रही है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी जैसे भी ये कैसे भी कर करके ये देख लिया आप, ये लेवल देखेंगे तो 44,800 है ना, ये लेवल आज आपने क्या देखा है, 44,860 देख लिया आपने। तो लेवल्स को फॉलो करके आप उसी प्रकार से बैठे रहिए और प्रॉफिट को बांधते रहिए। अगर आप 44,500 के नीचे सेल साइड में बैठे थे तो 2-3 दिन लगे, पर आपको नीचे प्रॉफिट दिखा 43,860 के आसपास आपको बैंक निफ्टी दिखा। अबे जो मर्जी नाटक करे, एक दो दिन जो मर्जी करे, या तो आपको ये इस जोन में मिले तो आप 44,430-40 का एसएल लगा के सेल करिए, सेल ऑन राइज का है ही है मार्केट नीचे की तरफ, फिर आपको 43,800 एक बार स्क्रीन पे आना चाहिए, नहीं तो भैया बिलो 44,000 बी ऑन सेल साइड। इस जोन में एक बार आएगा, नीचे वाली लाइन है 43,600 और ऊपर वाली लाइन है ये 43,800, इस जोन में एक बार इसकी एंट्री होगी। ये थोड़ा सा कंप्लीशन इसका यहीं पे होगा, ठीक है। तो यही है भैया कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेवल्स के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे मैं देखिए मार्केट का मोटा मोटा सार पता है क्या है, मतलब समरी या कंक्लूजन जो आप कह ले एनालिसिस का, आपके लेवल के ऊपर निकले तो साइड बैठ जाओ, ठीक है। मतलब पोजीशन को काट लो और साइड बैठ जाओ। कॉन्ट्रा ट्रेड में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बाय करने की चेष्टा ना करें। मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वो मैं आपके साथ डेली शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से शॉर्ट अटेम्प्ट करें रिस्क छोटा रख के, ठीक है, और सपोर्ट के पास बाय करने की चेष्टा ना करें। बाय साइड थोड़ी सी अवॉइड करिए, जब आपका यहाँ पे एसएल हिट हो तो आप एक बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं,
ठीक है, जैसे 19,450 आपका ऊपर तोड़ के हिट करके निकल जाता है, तो एक बार को आप इंट्रा डे में, मैं फिर बोल रहा हूँ, इंट्रा डे में बाई कर सकते हैं। आई होप चीज़ आपको समझ में आ गई, नहीं तो साइड भी बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 19,600 के आसपास से जितना आप सेल कर सकते हो उतना बढ़िया रहेगा, नीचे की तरफ 19,250 का टारगेट है जो कि शायद हम जल्दी ही देखेंगे, है ना। बट मैं बोल रहा हूँ अगर 19,600 के आसपास से जितना आप अच्छे से सेल कर सकें, यहाँ से एसएल कितना दिया है मैंने, 19,630, इतने में भी अगर किसी की लंका लगती है तो वो ट्रेडिंग करना बंद कर दे, स्टॉप कर दे ट्रेडिंग, और 19,450 के ऊपर निकल जाता है तो पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बढ़िया प्रॉफिट बना रहा हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो ठीक लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो नहीं समझ में आई हो, नहीं ठीक लगी हो, कृपया करके उस व्यक्ति को खोजिए जो आपके साथ अलाइन हो सके, मतलब आप उसके साथ अलाइन हो सको, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।